मोदी अमित शाह जेपी नड्डा को करना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है। चर्चा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर, 5:30 बजे इस्तीफा देंगे सीएम गहलोत। ये बहुत बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। हालांकि अभी तक हम नतीजों के बारे में बता रहे हैं कौन जीता है, किस सीट पर जीता है, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं शुरुआत से ही बीजेपी के पक्ष में, और वो नतीजों में तब्दील भी हो रहे हैं ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस्तीफा वो दे रहे हैं। 5:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे। पूनम, दरअसल ये रिवायत है, ये एक परंपरा है और ये हमेशा होता है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा कर रहे हैं। दरअसल किसी की भी सरकार होती, अगर वो सत्ता से जारी होती तो मुख्यमंत्री इस रवायत को निभाते। हमारे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5:30 बजे इस्तीफा देंगे और इसमें कुछ नया नहीं है, उनकी जगह कोई भी होता तो इस परंपरा को निभा रहा होता। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी खबर है कि अशोक गहलोत इस्तीफा देने जाएंगे 5:30 बजे राजभवन। राजभवन से जुड़े जो सूत्र हैं उनके अनुसार मुख्यमंत्री ने टाइम मांग लिया है मुख्यमंत्री के कार्यालय से, और 5:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विजेंद्र राजभवन पहुंचेंगे। इस समय मुख्यमंत्री वॉर रूम में मौजूद है, जिसके बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ इस समय, और वो डाटाज ले रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में। और जैसा आपने कहा कि रवायत है, लेकिन आमतौर पर जो सीएम होते हैं, जो चुनाव हारते हैं, वो थोड़ा सा और इंतजार करते हैं कि थोड़ा और देख लें कि कहाँ तक हमारी सीट है वो नीचे आएंगी, कहाँ तक जो उनके सामने उस समय अपोजिशन था, जैसे अभी बीजेपी अपोजिशन में थी, वो कितनी अब जाएंगी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी अब मान चुकी है कि जनता जनार्दन का जो फैसला है राजस्थान में, उसके अनुसार राजस्थान में जो सत्ता बदलने का रिवाज था वो बरकरार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ राजस्थान में अपनी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को गुलाबी रंग देख रहा हूँ, इससे मुझे याद आया कि गुलाबी रंग के बैलेट पेपर में भी कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थी, यानी कि कर्मचारियों पर भी जो प्रभाव डालने की बात हो रही थी वो भी ज्यादा नहीं था। या विश्लेषण हो पाया कि सब कुछ देने के बाद वो क्यों नहीं मिला जो चाहते थे? देखिए, विश्लेषण अंदर चल रहा है विजेंद्र। इस समय जो प्रभारी है कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा वो अंदर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर हैं, जो सह प्रभारी हैं वीरेंद्र राठौड़ वो अंदर हैं, और भी कई नेता अंदर हैं, और ये विश्लेषण डाटाज का चल रहा है। हार के कारणों का विश्लेषण मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बाद में करेगी, अभी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी भी कई जगह से नतीजे आ रहे हैं, कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। लेकिन ये तय हो गया है कि राजस्थान से हमारे साथ हैं वो सवाल करेंगे, लेकिन इसके साथ ये भी बताइए, क्या ये भी लिस्ट तैयार हो रही है कि किस नेता ने कितने टिकट बंटवाए और कितनों को जिता कर लाए? देखिए, थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी वीरेंद्र राठौड़ से, जो सह प्रभारी हैं राजस्थान में, उन्होंने इस बात को कैमरे पर स्वीकार किया है, विजेंद्र की टिकट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी से गलतियां हुई हैं, ये उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि वो भी स्क्रीनिंग कमेटी में थे। तो उनका ये स्वीकार करना अपने आप में एक बड़ा संकेत है, बड़े मायने है इसके कि टिकट वितरण में गलती हुई, क्योंकि कई नेता ऐसे से, मैं इस समय आपको जिक्र करूं मालवीय नगर का, जहां अर्चना शर्मा चुनाव हारी है। आपको याद होगा कि जब मालवीय नगर के टिकट की बात थी तो कई नेता AICC तक गए थे, चाहे वो महेश शर्मा थे, राजीव अरोड़ा थे, और उन्होंने विरोध किया था अर्चना शर्मा को टिकट देने का। इसके बावजूद उनको शिवेंद्र, दो सीटों पर जयपुर में हैट्रिक लगी है, एक सांगानेर में और एक मालवीय नगर में, कांग्रेस की तरफ से हार की हैट्रिक लगी है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश जुड़े हैं। योगेश, मुख्यमंत्री 5:30 बजे जो इस्तीफा देने जा रहे हैं, आप इसको जल्दबाजी कहेंगे या कहेंगे कि नहीं, उन्होंने अपनी पूरी कैलकुलेशन कर ली है और उनको पता है कि परिणाम क्या होगा? देखिए, गैप काफ़ी ज़्यादा है और उस गैप का हम सबको अंदाज़ा है, और वो तो जब मुख्यमंत्री है तो उनको ज़्यादा जानकारी है, और एक रीत है, उस रीत को निभाया जाएगा यहाँ पर। और राजस्थान में राजनीतिक सौहार्द की परंपरा बरसों पुरानी है, चाहे सुखाड़िया का युग हो, चाहे भैरव सिंह शेखावत का युग हो, चाहे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का युग हो। और यहाँ पर मैं बता दूँ, भूपेंद्र हुड्डा, मुकुल वासनिक समेत तमाम बड़े नेता इस वक्त कांग्रेस वॉर रूम में हैं, उनके साथ मंत्रणा इस वक्त चल रही है,